आज की इस वीडियो में काइन मास्टर के ऐसे एडिटिंग टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने वीडियो को 10x बेटर और मोर एंगेजिंग बना सकते हैं। YouTube में ग्रो करके अर्न करने के लिए लोग नए नए एडिटिंग स्टाइल एंड न्यू एडिटिंग एप्स लाइक कैपकट, फ्रीएन एंड इनशॉट को यूज कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक आइडियोलॉजी के साथ में एडिटिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन काइन मास्टर इज वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल एडिटिंग ऐप एंड इट प्रोवाइड्स मैनी मोर एडिटिंग फीचर्स। अगर एडिटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी व्यूअर्स के लिए बोरिंग हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, अच्छी एडिटिंग करके एक एवरेज स्क्रिप्ट को भी एंगेजिंग बनाया जा सकता है। सो इस वीडियो में काइन मास्टर से ट्रांसफार्म इफेक्ट, स्विच ऑन ऑफ इफेक्ट, मैग्नीफाइंग इफेक्ट, सेप्ड मास्क इफेक्ट कैसे यूज करना है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन विथ टिप नंबर 1, ट्रांसफार्म इफेक्ट। ट्रांसफार्म इफेक्ट को अप्लाई कैसे करना है यह बताने के लिए मैं एक वॉल इमेज और एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ और इस वीडियो लेयर को वॉल में उसके व्यू और एंगल के अनुसार सेट करने के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने पर टूल पैनल ओपन हो गया है और यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। इसे टैप करेंगे तो इफेक्ट्स के बहुत सारे प्रीसेट की लिस्ट आ जाएगी। इसमें यहाँ ट्रांसफार्म प्रीसेट है, इसे टैप करेंगे तो पर्सपेक्टिव 1, पर्सपेक्टिव 2 और डिस्टॉर्ट इफेक्ट अवेलेबल है। रुकिए, अभी ट्राई मत करिए क्योंकि आपके काइन मास्टर में अभी यह प्रीसेट अवेलेबल नहीं है। इस प्रीसेट को कैसे अवेलेबल कराना है यह आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले यह जान लेते हैं कि इसे अपने वीडियो में अप्लाई कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं और इस डिस्टॉर्ट को टैप करोगे तो इस इफेक्ट की सेटिंग ऑप्शंस यहाँ इसके राइट में आ जाएगी और इस सेटिंग से आप अपने इमेज या वीडियो को किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस सेटिंग से अपने इमेज या वीडियो को डिजायर्ड शेप में चेंज कर सकेंगे। इसके चारों कॉर्नर के एक्स और वाई पोजीशन, टॉप बॉटम, लेफ्ट और राइट पोजीशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पोजीशन को सेट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं रिमेनिंग एरिया में बैकग्राउंड शो हो रहा है। इस बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए नीचे यहाँ बैकग्राउंड कलर ऑप्शन में टैप करेंगे, ऐसे कलर को लेंगे जो इमेज में ना हो। अब वापस आकर टूल पैनल से क्रोमा की में जाकर इनेबल कर लेंगे और उसी कलर को सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से ट्रांसफार्म इफेक्ट रेडी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 2, जिसको बोलते हैं सेप्ट मास्क इफेक्ट। इस इफेक्ट को यूज करने के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट लेआउट कर लिया है। अब इस लेयर में जा करके इफेक्ट्स में जाएंगे और सेप्ट मास्क में टैप करेंगे तो यहाँ राइट साइड में अलग अलग शेप्स शो होगा। तो यहाँ से मैं सर्कल शेप को यूज कर लेता हूँ तो स्क्रीन में इस तरह से सर्कल मास्क अपियर हो जाएगा। इसे बड़ा करके पूरे स्क्रीन में मास्क लगा लेंगे। यहाँ पर एक मिनी टिप और बता देता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिटिंग करने के लिए सेंटर में लाना हो तो इसी तरह से यह दोनों लाइनें प्लस बनाते हुए सेंटर में हैं। अगर नहीं है तो इन्हीं दोनों लाइनों की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ सेट करने के बाद में इस मास्क इफेक्ट लेयर को फिर से सेलेक्ट करोगे और स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करके इसका ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे। फिर लेयर को सेलेक्ट करेंगे तो टूल पैनल ओपन हो जाएगा और सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ। इसे टैप करेंगे तो साइज को छोटा, बड़ा और पोजीशन को एक्स वाई एक्सिस में मूव करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस सेटिंग टूल की हेल्प से मास्क का पोजीशन सेट कर लेंगे और अब की फ्रेम का यूज़ करके इस मास्क को एनिमेट करेंगे लाइक दिस। बट इन दिस वे इट डजंट लुक गुड, सो एक मैग्नीफाइंग PNG को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मास्क और PNG दोनों सेम कलर का हो गया है, ओफ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। सो मैं मास्क का कलर टेम्परेरीली चेंज कर लेता हूँ। ओके, नाउ इट्स विजिबल। अब इस PNG को मास्क के साइज और पोजीशन के अनुसार एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर
पीएनजी लेयर को सेलेक्ट करके की फ्रेम की हेल्प से मास्क इफेक्ट में जहाँ जहाँ एनिमेशन देकर मूव किया गया है ठीक उसी उसी पॉइंट पर जाकर इसे भी एनिमेट कर लेंगे ताकि पीएनजी भी मास्क के साथ ही साथ मूव हो और दोनों एक ही लगें। और इस प्रकार अब मास्क इफेक्ट रेडी हो गया है। फिर अब इस मास्क के कलर को भी बैकग्राउंड के कलर का कर लेंगे जिससे वेरिएशन ना आए और ना ही कोई वेरिएशन दिखाई दे। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सेप्ड मास्क का एक और डेमो यहाँ पर बताने के लिए एक इमेज ले लेता हूँ और इस बार स्टार शेप को ले लेता हूँ और इसे सेलेक्ट करके इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन को की फ्रेम की हेल्प से एनिमेट कर लेंगे। फिर कलर चूज कर लेंगे, जो भी कलर आपको चाहिए उस तरह से कलर आप ले सकते हैं, मैं ये कलर ले रहा हूँ। तो इस तरह से कलर चूज कर लेंगे और शेप में जाकर इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे। नाउ यू कैन सी इट लुक गुड। एनिमेशन एंड साउंड इफेक्ट्स के साथ वीडियो को एंगेजिंग बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये तो आपने देखा कि इफेक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अब बारी है इफेक्ट्स के इन सभी प्रीसेट को अवेलेबल करने के लिए। यहाँ एसेट स्टोर में टैप करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इसमें नीचे थर्ड नंबर पर इफेक्ट्स का आइकन बना है, यहाँ टैप करोगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स का लिस्ट आ जाएगा। सबसे नीचे में ट्रांसफार्म का ऑप्शन आ जाएगा, इसे क्लिक करोगे तो ट्रांसफार्म का प्रीसेट दिखेगा, इसे ओपन करके यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक इसी मेथड से और भी बाकी जितने भी आपको इफेक्ट्स को यूज़ करना हो, जो भी इफेक्ट्स आपको लगाना हो या पसंद हो अपने वीडियो के अनुसार, उसे यहाँ से ठीक इसी मेथड से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक इसी मेथड से यहाँ मास्क ऑप्शन में आएंगे तो मास्क का डिफरेंट मास्क प्रीसेट दिखेगा, इनको डाउनलोड कर लेंगे और ये जब भी आप एडिटिंग करेंगे तो उस समय ये आपके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के साथ, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे, जब आप टैप करेंगे तो वहाँ ये आपको अवेलेबल दिखाई देगा। ओके नेक्स्ट मूव, स्विच ऑन और ऑफ इफेक्ट। इसको कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। दोनों ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, जैसे कि आपका ऑन ऑफ स्विच का ले लेंगे और उसके बाद एक हैंड पीएनजी ले लेंगे, ठीक है। दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट करके इस तरह से सेंटर में इसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब हो, इस तरह से इन एनिमेशन में जाएंगे, उसके बाद में इन एनिमेशन में जाकर स्लाइड अप में जाएंगे और स्लाइड अप में जाएंगे तो ये आपका जो हैंड पीएनजी है इस तरह से स्लाइड होकर के बटन के ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। साउंड इफेक्ट के साथ में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ओके नेक्स्ट मूव करते हैं मैग्नीफाइंग इफेक्ट की ओर। तो मैग्नीफाइंग इफेक्ट को इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक इमेज ले लेता हूं मैं जहां पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं। इसके लिए फिर से आप उसी तरह से इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट्स में जा करके यहां आएंगे तो आपको मिरर का मैग्नीफायर का ये प्रीसेट मिल जाएगा। मैग्नीफायर को क्लिक करेंगे तो यहां मैग्नीफायर आपके यहां पे आ जाएगा। इसको इस तरह से रिसाइज कर लेंगे, ठीक है। अब बाहर आता हूँ, इस तरह से आप देख रहे हैं ये इससे फॉन्ट बहुत बड़ा दिखने लगा है, ठीक है। अभी साइज भी बड़ा है, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके छोटा कर लेता हूँ। लेयर में जाएंगे, लेयर में जा करके एक हैंड एक पीएनजी ले लेते हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह दिखाई देता हो, ठीक है, और इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका जो मैग्नीफायर है उसको मैग्नीफायर को उसके पोजीशन सेट कर लेते हैं कि हमें कहाँ पर रखना है उसको, ठीक है। और उसके बाद में उसका जो एंड है वहाँ पर की फ्रेम की सहायता से एंड पोजीशन में इस तरह से मूव करने के लिए स्लाइड कराएंगे, ठीक है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो मैग्नीफायर है ये मूव होकर आ रहा है जिससे वर्ड्स को आप बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से स्लाइड होकर के आपका जो पीएनजी है मैग्नीफाइंग ग्लास का वो भी जाए, तो उसके लिए आपको उसी तरह से इसको रिसाइज करना होगा, उसी जगह पर प्लेस करना होगा जहाँ पर आपका मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर उसमें की फ्रेम लगा हुआ है ठीक उसी पॉइंट पे आके उसी टाइमलाइन के साथ में आकर के यहाँ भी की फ्रेम लगाएंगे और मूव करके एंड तक ले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरह से कूल एनिमेशन बन रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो उसको एडजस्ट करके आप, जैसे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा था इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से देखिए टाइमिंग को सेट कर लेंगे सही और इस तरह से एडजस्ट करके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेट करेंगे। एनिमेट करके इस तरह से इस, अभी भी देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए कहाँ पर से कहाँ इसका पोजिशन प्रीसेट शुरुआत में सही नहीं था, तो ठीक है ओके। अभी देख लेते हैं, अभी इस तरह से इसको पोजीशन को
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों को अगर बराबर आप करेंगे तो ये देखिए इस तरह से अभी ये देखिए कूल तरीके से बहुत स्मूथली जा रहा है, ठीक है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास इफेक्ट। तो ठीक है आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी एडिटिंग टिप्स के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।